एक बार हम कहते हैं कि टेंडर से वसूली होगा, एक बार हम कहते हैं कि ना ये चीज कैंसिल हो, क्योंकि हमारा सेटलमेंट कहीं नहीं बैठ रहा है वसूली का, हमारा कमीशन नहीं तय हुआ, इसलिए हम विरोध करने लगे हैं, यही ना है, यही चीज होगा। आखिर क्यों विरोध हुआ, आपने बोर्ड में क्यों पारित किया पहले, उसके बाद ही ना टेंडर गया होगा। हाँ यही लोग पारित किए हैं, गए थे बाइट लेने उन लोग का, तो देखिए उस धरना में कितने पार्षद मौजूद हैं, 40 पार्षद मौजूद हैं यहाँ पे, आप दिखाइए बाइट, आप अपना वीडियो कहाँ 40 आदमी, तो आप साक्ष्य कीजिएगा ना कि कितने लोग, नहीं वो तो हम देख रहे हैं, देखिए महिला पार्षद 20 से ज़्यादा है। ये तो जनता की समस्या को दूर करने के लिए रखा गया है, मान लीजिए जनता सब लोग अपने ये मकान का टैक्स जब जरूरत पड़ रहा है तब कटा रहे हैं, टाइम से कटा नहीं रहे। तो जो चेयरमैन है वो अपने चेंबर में बुलाए, तो आपके द्वारा कहा गया कि सभी वार्ड पार्षद को बाहर निकालिए, ऐसा आरोप लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इस तरह का अपमान ऐसा किया गया आपके द्वारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक है ना, हमारा उस समय मीटिंग चल रहा था, ठीक है ना, VC में हम जुड़े हुए थे, तो हमारे पास जो है आया कि भाई बुलाया जा रहा है, तो हम गए कि ठीक है खत्म होता है तो उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। आपने बोला कि पहले वार्ड पार्षद को निकालिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, घर के पास सफाई नहीं होता। हाँ तो सही बात है, तो वो घर में रहेंगे नहीं निकलेंगे, तो आप बता रहे हैं हम तो नए आए, हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये सब सिस्टम चलता है, हमको शहर के सफाई से मतलब है, हमको पैसा से नहीं मतलब है, जो काम करेगा, अगर स्कूटी साहब गलत करेंगे तो अकेले हम स्कूटी साहब के खिलाफ धरना देंगे, ये हम आपको बताते हैं। आज शहर में क्यों, शहर के सफाई के लिए ना धरना होना चाहिए, शहर में जमीन नहीं मिल रहा उसके लिए हम लोग जिला प्रशासन के पास बैठते कि आप हमको एक महीने के अंदर जमीन दीजिए, और नहीं तो हम लोग सारे यहाँ बैठेंगे। नहीं हुआ कोई महला डूब जाएगा, आप बताइए कौन महला डूबा है, आपको महादेवा है फतेहपुर, कहाँ महादेवा में कहीं पानी लगा है कुछ, ठीक है ना, बोर्ड ही के निर्णय के आलोक में सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अपने से कोई निर्णय हो गया, बोर्ड के द्वारा ही निर्णय लिया गया, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब है, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इतना टैक्स लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, तो मान लेते हैं क्योंकि जो धारणा था वो ये टैक्स के लेके था, NGO द्वारा जो ये वसूली हो रहा है टैक्स का उसी के लिए था, ये मीटिंग में निर्णय लिया गया, प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लिया गया, असंतुष्ट भी हो गया, उस समय नहीं बोले कोई पार्षद चेयरमैन कोई इस पर नहीं बोले कि इसको नहीं रखा जाएगा, जब टेंडर हो गया वर्क ऑर्डर निकल गया और ये काम करने लगे टैक्स सुनने लगे, उसके बाद से ये लोग विरोध तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस कारण ये कार्रवाई। नहीं देखिए कोई तालमेल की बात ही नहीं है ना, चेयरमैन साहब तो आती ही नहीं है ऑफिस में, चेयरमैन ऑफिस में नहीं आती है। हाँ आती है, जब बोर्ड का बैठक होता है तभी आती है, एक दिन उस दिन आई है, इसकी भी सूचना लगातार हम 10 दिन से बैठे। नहीं नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है उस तरह का, कोई मीटिंग जैसे मीटिंग के लिए अगर कहा जा रहा है कि सिवान के जनता के समर्थन में खड़े हैं, सिवान के जनता को जो सुविधा मिलेगा जहाँ जरूरत होगा उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम खड़े हैं। सुनिए 40 आदमी 5 आदमी से मतलब नहीं है, हम इकलौता विरोध करेंगे, अगर जहाँ गलत होगा वहाँ हम विरोध करेंगे। मीटिंग टू मीटिंग आती है, उसके बाद वो नगर परिषद नहीं आती है, क्यों नहीं आती है तो वो बताएंगे। कौन लोग बैठता है यहाँ पे, जैसे 30 लोग जो है 30-35 पार्षदों के द्वारा लिखित रूप से दिया गया था कि चेयरमैन के कक्ष में असामाजिक तत्व बैठते हैं, इस तरह का कंप्लेन आया था, जिसकी जिसके लिए जांच के लिए चेयरमैन दोनों के कक्ष का करना चाहिए ना, कि भाई एक दिन हम लोग धरना दिया जाए, शहर का सफाई करवाया जाए, 4500 वार्ड में हम लोग घुमा जाए सारे 4500 वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन उप चेयरमैन को, तो उस पर कोई आज तक नहीं बोला है, किस चीज के लिए बोला रहा है, टेंडर क्यों हो रहा है, ऐसा वसूली क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। नहीं इसका हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन स्कूटी साहब तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप मीटिंग में आप नहीं थे? नहीं मीटिंग में तो ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। सोच रहा है कि अब नया वाला आएगा तो कुछ तो देगा नहीं, नया वालों को ये जिम्मेवारी मिला है कि आपके वार्ड में 2 लेबर लगे या 200 लेबर लगे, हम आपके वार्ड में डोर टू डोर कचरा उठाएंगे। जब बोर्ड के द्वारा ही पास किया गया तो चेयरमैन क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो मेन चीज है कि बोर्ड से पास की है, बोर्ड के निर्णय के आलोक में काम हो गया। पैसे का लेन देन का कुछ बात नहीं है किसी NGO से? महिला पार्षद थी वहाँ पे। आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे? पार्षद तो 10 से 12 मौजूद थे। यही लोग विरोध कर रहे हैं। आप हमसे अस्थिर में बैठेगा ना कल, हम आपको विस्तृत पूरा एक एक चीज बता देंगे, और उसका किसी के पास जवाब नहीं होगा 400 वार्ड के पास। आप पूछिएगा उन लोगों से कि कहाँ टैक्स बढ़ा है हमारे वार्ड में, मान लीजिए 100 होना चाहिए ना, कि जब बोर्ड के द्वारा ही पास किया गया तो चेयरमैन क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो मेन चीज है कि बोर्ड से पास की है, बोर्ड के निर्णय के आलोक में काम हो गया। पैसे का लेन देन का कुछ बात नहीं है किसी NGO से? सीधे घुसिए आप, बोहर भी तो चल जाइए, देखिए क्या स्थिति है, कंडीशन है, उसके लिए धरना होना चाहिए। उपाध्याय उनके सामने उसको रद्द करेंगे, लेकिन अभी किस बेस पे आप रद्द कीजिएगा, चूंकि आप उसको एग्रीमेंट कर लिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, आप उसका अगर टेंडर रद्द करते हैं
तो वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सफाई माने जमीन नहीं है तो ये चीज़ अब चेयरमैन साहिबानु बताएंगी कि जमीन के लिए धरना देती कि जमीन खरीदे जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध कराए तो उसके लिए धरना नहीं होगा, लेकिन सफाई हो रहा है लोगों को सुविधा मिल रहा है उसके लिए धरना होगा। देखा है कि कितने वार्ड में पानी लग रहा है, क्या समस्या है, 45 वार्ड में कोई घुमा है वार्ड पार्षद? पूछिए ना चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब से पूछिए ना कि वो ऑफिस आती हैं। हम आपके पूछ रहे हैं कि आपने घुमा है? आने में अगर मोटरसाइकिल सही है तो अप डाउन में आपका 100 रुपये का तेल जलेगा, आप घर जाके रसीद कट रहा है तो लोगों को दिक्कत है। इसमें सबसे मीटिंग हुआ इसके हमको जानकारी कौन बैठता है चेंबर में, कौन बैठता है? तो वो तो वन रहा है नगर परिषद के माने वहाँ आज चेयरमैन साहिबा धरना पर बैठ गई। एक भी बार इस चीज़ के लिए बैठी है कि हमारे शहर में सफाई हो, हमारे शहर में विकास हो? एनजीओ को उसको टेंडर क्यों हुआ, इसको क्यों टेंडर हुआ, इस लिए बैठा लो? पुराने वाले जो एनजीओ थे उसे सारा लोग का सिस्टम बना हुआ था, सब लोग का कुछ ना कुछ फिक्स था। हम अब कितना कैमरा पर खोल के बोले तो इसके मूल में जाना है कि आरोप क्यों लग रहा है, काहे लग रहा है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो 29 वार्ड है पहले सिवान में, अभी जो है काफ़ी विस्तार हो गया है, 45 वार्ड हो गया है, देखेंगे काफ़ी एरिया ऐड हुआ है। तो जो नया एरिया ऐड हुआ है उसमें बहुत सारे बिल्डिंग मकान बने हुए हैं जिनका कोई सर्वे नहीं हुआ है। सरकार का आदेश है कि जो भी मकान है 5 साल पर सबका सर्वे कराना है, ठीक है। 5 साल में सर्वे का आधार इसलिए है कि मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जब घर बना तो उस समय भी 1 तल्ला का मकान बनाया, उसका टैक्स 1 तल्ला पे फीस हो गया, 5 साल में वो 2 तल्ला हो गया, 3 तल्ला हो गया, 4 तल्ला हो गया, मतलब बढ़ा रहा है, लेकिन हो सकता है कि टैक्स नहीं दे रहा हो। तो सर्वे करके, सर्वे का यही उद्देश्य होता है जानना कि हमारे शहर में कितना मकान है आज के डेट में, कितना कमर्शियल एरिया है, कितना रेजिडेंशियल एरिया है, कितना स्क्वायर फीट में कहाँ कहाँ क्या बन गया है शहर में, तो पूरे शहर का सर्वे करना है। तो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से है। हमारे यहाँ स्ट्रेंथ अपना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं दक्ष कर्मचारी नहीं है। आप भी जानते हैं कि नगर पालिका में बहुत दिन से बहाली वगैरह बंद है, सरकार का भी आदेश है कि किसी तरह का बहाली अब नहीं करना है, कोई भी काम आउटसोर्सिंग से कराना है। सफाई हो गया या कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें है कि आउटसोर्सिंग के आधार पर आपको करना है, सरकार का गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन के आलोक में 26 चार को जो बैठक हुआ बोर्ड का, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो भी हमारा कलेक्शन है काफ़ी कम है, इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से इसको कराया जाए, ठीक है। पहला सवाल सर कि जो आप बोल रहे हैं कि जो घर का टैक्स लिया जाता है, तो जो टैक्स अभी लिया जाता है उसमें क्या कुछ व्यवस्था दिया जाता है जिससे घर का टैक्स लिया जाता है? हाँ बता, देखा जाए तो पानी बता की व्यवस्था नहीं, फिर भी टैक्स लोग जमा करते हैं। देखिए बताते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना पानी बिजली या जो भी कह रहे हैं, ये सब अफवाह फैला जा रहा है, ठीक है। एक फ्लैट सरकार का रेट है, जो फ्लैट टैक्स लगता है जितना परसेंट सरकार का गाइडलाइन है, नगर परिषद सिवान के द्वारा जो टैक्स जितना परसेंट लिया जा रहा है पहले से, वही डाटा दिया गया है एनजीओ को, जो लिया जाता है उस उतना ही टैक्स लेना है। क्या क्या व्यवस्था है जो टैक्स आप लेते हैं जो पहले से, उसमें क्या कुछ व्यवस्था देते हैं? देने का कोई टैक्स नहीं है। मेन है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में कोई भी मकान बनाते हैं तो जो आपका मकान है उसके लिए होल्डिंग टैक्स आपको देना है, होल्डिंग टैक्स, होल्डिंग टैक्स। उसमें कोई व्यवस्था नहीं, उससे कोई पानी का, जैसे पहले जो होता था ना, आज से बहुत पहले होता था, उसमें जल कर, मल कर, स्वास्थ्य कर, अलग अलग प्रावधान होता था, अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। अब किस तरह का नया टैक्स लिया जाएगा जो सर्वे में आ रहा है? देखिए कोई नया टैक्स नहीं लिया जाएगा, हम भी वही बात कह रहे हैं कि जो पहले से टैक्स लिया जाता था। देखिए अंतर क्या है, अंतर दो ही चीज हो गया, ठीक है ना, एक हो गया सर्वे का और दूसरा हो गया वसूलने का। मान लेते हैं कि पहले नगर पालिका के स्टाफ जाके वसूलते थे, अब जो हो आउटसोर्सिंग एजेंसी जिसको मिला है वो जाके वसूलेगा। इसमें क्या होता था कि जो टैक्स की चोरी हो रही थी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये लोग जो कह रहे हैं वार्ड पार्षद लोग जो हैं कि चापाकल पे 500 रुपया, घर के तल्ला पे पैसा, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट ये लोग जो पब्लिक है, वही बात है, वही बात हम कहना चाह रहे हैं ना आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। जो भी सरकार का गाइडलाइन है पूरे बिहार में जो टैक्स हर शहर में लगता है वही टैक्स लिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि गलत टैक्स लेगा तो आपको रसीद देगा ना उतना काट के उसका, तो बिल्कुल अगर उस तरह का कोई गलत लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसका एग्रीमेंट रद्द किया जाएगा, उस पर पेनल्टी किया जाएगा, जो प्रावधान है वो किया जाएगा। तो सिर्फ अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, बहुत लोगों के द्वारा अपील किया जा रहा है कि टैक्स न दे, तो गलत चीज है। ये एनजीओ नहीं है, देखिए सफाई कर्मी का एनजीओ जो पहले 30 लाख था बढ़ा के ज्यादा किया जा रहा है। देखिए सफाई कर्मी का सब का, जैसे देखिए पहले जो था कि डोर टू डोर के लिए टेंडर हुआ था, ठीक है ना, अभी है कि 30 वार्ड के लिए संपूर्ण सफाई का टेंडर हुआ है, ठीक है ना, उसमें उसको नाला उराही करना है, डोर टू डोर करना है, कूड़ा उठाव करना है, मतलब जितना भी तरह का काम करना है। ये भी बोर्ड के निर्णय के आलोक में, बोर्ड के निर्णय लिया कि चूँकि हमारे पास जो भी लेबर है
उनको हटाना भी नहीं है, उनको रखना है। तो हुआ कि 15 वार्ड जो है नगर पालिका अपने लेवल से कराएगी और 30 वार्ड का, चूँकि बांटने में होता ना कि ये काम वो करेंगे, वो काम वो करेंगे, तो फिर हो जाएगा बहानेबाजी हो जाएगी कि वो कहेंगे कि मेरा कूड़ा नहीं है, वो कहेंगे कि मेरा है, जवाबदेही फिक्स करने में दिक्कत होगी। इसीलिए हुआ कि उस वार्ड का संपूर्ण सफाई, जो 30 वार्ड दिया गया है उसका संपूर्ण सफाई एनजीओ को करना है, जो 15 वार्ड है नगर पालिका के जिम्मे उसका सफाई नगर पालिका अपने स्तर से कराएगा। ये भी बोर्ड के ही निर्णय के आलोक में हो रहा है। यही बोर्ड के मीटिंग में यही वार्ड पार्षद थे, तो आज विरोध क्यों? देखिए, विरोध इसलिए है कि कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है पार्षदों के बीच में, दुष्प्रचार आप कह रहे हैं ना कि चापाकल पे टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा, उस पे टैक्स लगेगा। जो हमारा टैक्स का रेट है, जो 10 साल पहले से नगर पालिका, देखिए टैक्स का रेट बढ़ाने का पावर बोर्ड का होता है, और बोर्ड के द्वारा पिछले 15 साल से टैक्स का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है। मान लेते हैं कि 2 रुपया स्क्वायर फीट, अगर उदाहरण देते हैं कि 2 रुपया स्क्वायर फीट रेट अगर 15 साल से चला आ रहा है, तो आज भी वही रेट है, रेट में कुछ बढ़ा नहीं है, वही रेट है। सिर्फ वो नापी करेगा आज के डेट में, आपके घर का सर्वे करेगा, तो इसमें मान लेते हैं कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, जो कमर्शियल है, वहाँ पे हो सकता है कि छूटा हो नहीं हो, तो उनका टैक्स में अंतर आएगा। लेकिन जिनका साधारण परिवार है, घर है, तो उसका तो जो टैक्स है, जो इतना स्क्वायर फीट उसका घर है, उतना ही नाप का जो सरकार का गाइडलाइन उसके हिसाब से टैक्स देना है। आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पॉस मशीन से पेमेंट कर सकते हैं, आप जो है कैश उसको दे सकते हैं, हाथों हाथ वो टैक्स काटेगा आपको, वहीं पर रसीद भी देगा, उसी समय काट के आपको रसीद देगा। दो सवाल सर, कि एक पहला सवाल कि अभी कुछ दिन पहले मीटिंग था, तो जो चेयरमैन है वो अपने चेंबर में बुलाए, तो आपके द्वारा कहा गया कि सभी वार्ड पार्षद को बाहर निकालिए, ऐसा आरोप लगाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह का अपमान ऐसा किया गया आपके द्वारा? नहीं नहीं नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक है ना। हमारा उस समय मीटिंग चल रहा था, ठीक है ना, VC में हम जुड़े हुए थे, तो हमारे पास जो है आया कि भाई बुलाया जा रहा है, तो हम गए कि ठीक है, खत्म होता है तो उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि पहले वार्ड पार्षद को निकाला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कि चेयरमैन से आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस कारण ये कार्रवाई हो? नहीं, देखिए कोई तालमेल की बात ही नहीं है ना, चेयरमैन साहब तो आती ही नहीं है ऑफिस में। चेयरमैन ऑफिस में नहीं आती? हाँ आती है, जब बोर्ड का बैठक होता है तभी आती है, एक दिन उस दिन आई है, इसकी भी सूचना लगातार हम 10 दिन से बैठे। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है उस तरह का, कोई मीटिंग जैसे मीटिंग के लिए अगर कहा जा रहा है कि मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो कोई भी मीटिंग हुआ इसकी हमको कोई जानकारी नहीं। कौन बैठता है चेंबर में? कौन बैठता है? तो वो तो वही बता सकते हैं कि कौन लोग बैठता है। यहाँ पे जैसे 30 लोग जो है, 30-35 पार्षदों के द्वारा लिखित रूप से दिया गया था कि चेयरमैन के कक्ष में असामाजिक तत्व बैठते हैं, इस तरह का कंप्लेन आया था, जिसके लिए जांच के लिए चेयरमैन दोनों के कक्ष का विरोध हुआ था बीच में, कि जो बिजली खपत होता है बैठने से, वो पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा भी पेपर में या कहीं माध्यम से? हाँ, मतलब कुछ लोग जो है दिए थे, ठीक है ना, उसकी भी जांच कराई गई है, उसमें भी जो नियमानुसार है कार्रवाई की जा रही है। तो सर, क्या लगता है कि ये जो नियम आप लगाए हैं कि चेंबर में नहीं बैठेगा, ये लागू होगा या ना होगा, ये इसका निर्णय कौन करेगा, चेयरमैन करेंगे या उप चेयरमैन करेंगे? आप किस चीज़ का निर्णय कि मेरे चेंबर में कोई बैठे या ना बैठे? नहीं, तो उनका चेंबर है मान लेते हैं, तो उसमें कोई भी आम पब्लिक अगर किन्हीं को कोई काम है मिलने आएगा तो बैठ ही सकता है। नहीं रहेंगे तो? देखिए वो तो है कि मान लेते हैं उनके लिए प्यून भी है, उनके लिए स्पेशल प्यून को भी आदेश है, मतलब जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्यून को भी निर्देशित है कि वो रहेंगी तब बंद होगा, और मतलब रहेंगी तो खुला रहेगा, नहीं रहेंगी नहीं, चली जाती हैं तो बंद हो जाता है। हमेशा नहीं आती कोई और बैठा है हमारा कचरा उनके चेंबर में, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, मतलब उनके कक्ष का हमारे पास CCTV या कुछ उस तरह का तो है नहीं। CCTV कैमरा लगाना चाहिए अभी हम, ये तो देखिए, ये तो बोर्ड इस पर निर्णय ले कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये बोर्ड का सवाल है, इसको हम नहीं बता सकते। आपके द्वारा जब जाँच की गई तो सर जाँच में क्या कुछ पाया गया? नहीं नहीं, जो प्यून को है उसको दिया गया शो काउज के मान लेते इस तरह का है, तो उनके द्वारा दिया गया है कि नहीं भाई, मतलब असामाजिक तत्व का नगर पालिका है, तो जो भी लोग यहाँ पे जिनको है मान लेते हैं काम है, जो भी है मिलने हैं माले हैं, जो भी जनता है वही लोग आते हैं, कोई असामाजिक तत्व आते नहीं, ऐसा तो नहीं। अंतिम सवाल ये जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से विवाद हो रहा है, तो वैसे में क्या लगता है फिर कार्य पूरी तरह से प्रभावित होगा या आपके स्तर से करवाया जाएगा? देखिए विवाद तो है नहीं कुछ, ठीक है ना, बोर्ड ही के निर्णय के आलोक में सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अपने से कोई निर्णय हो गया, बोर्ड के द्वारा ही निर्णय लिया गया सरकार के गाइडलाइन के हिसाब है। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इतना टैक्स लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, तो मान लेते हैं अगर कोई गलत टैक्स काटता है तो फिर रसीद देगा ना, फिर उसमें भी तो होगा कि अगर मान लेते हैं कि आपका टैक्स 100 रुपया बन रहा है और कोई आपके पास से अगर 200 रुपया लेता है, तो हम भी ऑफिस में हैं, इसके लिए कमेटी बना है, TD है, टैक्स दरोगा है, ATD है, सब लोग हैं, अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। यही तो, ये तो चेयरमैन से ही क्वेश्चन आपको होना चाहिए ना कि जब बोर्ड के द्वारा ही पास किया गया तो चेयरमैन क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो मेन चीज है कि बोर्ड से पास की है, बोर्ड के निर्णय के आलोक में काम हो गया। पैसे का लेन देन का कुछ बात नहीं है किसी NGO से या कुछ की? किस चीज का लेन देन?
कमीशन का बात हो गया, बहुत तरह की बात है, अफवाह जो बाजार में चल रही है। एक बार बताइए, यहाँ पे तो किसी को एक रुपए का भुगतान किया ही नहीं गया, तो किस तरह की बात कर रहे हैं आप? तो कमीशन देती होगी ना, किस चीज़ का एनजीओ, कौन सी का कमीशन, क्या बात करते हैं आप? सफाई कर्मी के नाम पर क्या सफाई, एनजीओ जो है टैक्स का बात चल रहा है, आप कौन चीज कर जी, सफाई करने का एनजीओ दूसरे एनजीओ को दिया जा रहा है, बोल रहा है लोग पहले से जो एनजीओ है उसको हटाकर किसी और को देने की बात चल रही है। देखो बताइए, किसी को हटाने या देने की क्या बात है, जो एनजीओ था उसका टर्म जो है खत्म हो गया है, ठीक है ना, टर्म खत्म हो गया तो स्वाभाविक है कि दूसरा एनजीओ का टेंडर हुआ है, तो जो टेंडर में क्वालिफाई करेगा उसी को मिलेगा, जेम पे टेंडर हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी को हटाना या देना ही तो नहीं है, उसका टेंडर खत्म हो गया इसीलिए किया जा रहा है। बिल्कुल, उसका जो है मई तक ही टेंडर था, क्योंकि लेकिन बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है कि दूसरा अभी तक टेंडर जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक के लिए उनको दिया गया था, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, माना जाए बिल्कुल जनता को भ्रमित किया जा रहा है। मैंने क्या आरोप लगा रहे हैं अब, एक बताइए, टेंडर आप कह रहे हैं कि इसको एनजीओ को दिया जाए टैक्स वसूलने के लिए, और उसके बाद आप कहते हैं कि इसको ना देकर हई पुराने वाले टैक्स दरोगा जो हैं उनसे वसूला जाए। हमारा वार्ड मान लीजिए, आप हमारे यहाँ से आने में अगर मोटरसाइकिल से आइएगा तो अप डाउन में आपका 100 रुपये का तेल जलेगा, आप घर जाके रसीद कट रहा है तो लोगों को दिक्कत, इसमें सबसे बड़ा समस्या है। हमारे वार्ड में टैक्स वसूल रहा है लोग, हमने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि जल्द से जल्द हमारे वार्ड में वसूला जाए, और दो दिन से हमारे वार्ड में वसूली का कार्य चल रहा है, और हमारे यहाँ का लोग खुश है, कह रहा है कि बहुत अच्छा है कि हमको नगर परिषद नहीं जाना पड़ रहा, हमारे घर पर आके टैक्स जमा था। मैंने कहा 30 लाख में टेंडर 50, इसमें एनजीओ वसूल के पैसा देगी, इसमें एनजीओ को पैसा नहीं दे रहे हैं, उससे ज़्यादा भुगतान किया जाएगा, तो उसमें पहले एनजीओ का खटता था, तो पहले एनजीओ खटता था, वार्ड का सफाई देखिए ना, आज तक कोई बोल रहा है नगर परिषद के माने वा आज चेयरमैन साहिब धरना पर बैठ गए, एक भी बार इस चीज़ के लिए बैठी हैं कि हमारे शहर में सफाई हो, हमारे शहर में विकास हो, एनजीओ को उसको टेंडर क्यों हुआ, इसको क्यों टेंडर हुआ, इस लिए बैठा लो, पुराने वाले जो एनजीओ थे उससे सारा लोग का सिस्टम बना हुआ था, सब लोग का कुछ ना कुछ फिक्स था, हम अब कितना कैमरा पर खोल के बोले, तो लोग सोच रहा है कि अब नया वाला आएगा तो कुछ तो देगा नहीं, नया वालों को ये जिम्मेवारी मिला है कि आपके वार्ड में 2 लेबर लगे या 200 लेबर लगे, हम आपके वार्ड में डोर टू डोर कचरा उठाएंगे, और टाइमिंग सुबह से शाम तक कार्य करेगा। तो अमित देखिए, अमित जी आपको वार्ड ये नगर परिषद के लेबर का न कर रहे हैं, जो एनजीओ का बात बोले तो हम एनजीओ पर बोल रहे हैं ना, तो सफाई माने जमीन नहीं है तो ये चीज़ अब चेयरमैन साहिब ने बताएंगे कि जमीन के लिए धरना देती कि जमीन खरीदे जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध कराए तो उसके लिए धरना नहीं होगा, लेकिन सफाई हो रहा है लोगों को सुविधा मिल रहा है उसके लिए धरना होगा, शहर के आम जनता के सुविधा के लिए ना हम लोग आए हैं चुनकर यहाँ पे, पानी लगा है उसके लिए वो उसके लिए नहीं होगा, आपको बड़ी आप सुनिए, आप दरबार रोड से सीधे घुसिए, आप ओवर ब्रिज तक चल जाइए, देखिए क्या स्थिति है कंडीशन है, उसके लिए धरना होना चाहिए। हम सिवान के जनता के समर्थन में खड़े हैं, सिवान के जनता को जो सुविधा मिलेगा जहाँ जरूरत होगा उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम खड़े हैं। सुनिए 40 आदमी 5 आदमी से मतलब नहीं है, हम इकलौता विरोध करेंगे, अगर जहाँ गलत होगा वहाँ हम विरोध करेंगे, हम उस 40 आदमी या 50 आदमी से हमको मतलब नहीं है, जहाँ लूट खसोट होगा उसका हम विरोध करेंगे, अफसर आए हैं हाँ निश्चित है, अगर वो सही काम करते तो आपको कचरा के लिए धरना प्रदर्शन करते, जमीन के लिए धरना प्रदर्शन करते, शहर में विकास के लिए धरना प्रदर्शन करते, लूट खसोट लूट खसोट एक ही चीज को क्या आप बार बार कह रहे हैं, आखिर इन लोगों को धरना करना चाहिए ना कि भाई एक दिन हम लोग धरना दिया जाए, शहर का सफाई करवाया जाए, 4500 वार्ड में हम लोग घुमा जाए सारे 4500 वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन उप चेयरमैन को, तो उस पर कोई आज तक नहीं बोला है, किस चीज के लिए बोला रहा है, टेंडर क्यों हो रहा है, ऐसा वसूली क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अरे भाई हमारा काम है कि नगर को साफ सफाई करना और शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना, लोगों को व्यवस्था बनाना, तो ये सब चीज नहीं हो रहा है। हाँ टेंडर एक बार हम कहते हैं कि टेंडर से वसूली होगा, एक बार हम कहते हैं कि ना ये चीज कैंसिल हो, क्योंकि हमारा सेटलमेंट कहीं नहीं बैठ रहा है वसूली का, हमारा कमीशन नहीं तय हुआ है, इसलिए हम विरोध करने लगे हैं।
यही ना है, यही चीज होगा। आखिर क्यों विरोध हुआ, आपने बोर्ड में क्यों पारित किया पहले, उसके बाद ही ना टेंडर गया होगा। यही लोग बोर्ड ने पारित किए हैं। हाँ यही लोग पारित किए हैं, यही लोग विरोध कर रहे हैं। आप हमसे अस्थिर में बैठेगा ना कल, हम आपको विस्तृत पूरा एक एक चीज बता देंगे और उसका किसी के पास जवाब नहीं होगा। 400 वार्ड के पास आप पूछिएगा उन लोगों से कि कहाँ टैक्स बढ़ा है। हमारे वार्ड में मान लीजिए 100 रुपये मेरे घर का है और हम आज 3 तल्ला बना लिए हैं, तो 3 तल्ला बना लिए तो 3 फ्लोर का हम 300 रुपये देंगे, तो वो 300 रुपये मान लीजिए हमारे पास पैसा, हम ला के देंगे। और गरीब आदमी का तो एक ही फ्लोर है ना। अब ये हमको नहीं जानकारी है कि पैसा देते तो हम तो नए आए हैं ना। आखिर क्यों उसी एनजीओ के चक्कर में लोग पड़ा है कि हम तो नए आए, हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये सब सिस्टम चलता है। हमको शहर के सफाई से मतलब है, हमको पैसा से नहीं मतलब है। जो काम करेगा, अगर स्कूटी साहब गलत करेंगे तो अकेले हम स्कूटी साहब के खिलाफ धरना देंगे, ये हम आपको बताते हैं। आज शहर में क्यों, शहर के सफाई के लिए ना धरना होना चाहिए। शहर में जमीन नहीं मिला उसके लिए हम लोग जिला प्रशासन के पास बैठते कि आप हमको 1 महीने के अंदर जमीन दीजिए, और नहीं तो हम लोग सारे पार्षद यहाँ बैठेंगे। सभी पार्षद धरना पर बैठे थे, आप वहाँ मौजूद नहीं थी, क्यों? क्योंकि जो धरना था वो ये टैक्स के लेके था, एनजीओ द्वारा जो ये वसूली हो रहा है टैक्स का, उसी के लिए था। ये मीटिंग में निर्णय लिया गया, प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लिया गया, असंतुष्ट भी हो गया। उस समय नहीं बोले कोई पार्षद चेयरमैन, कोई इस पर नहीं बोले कि इसको नहीं रखा जाएगा। जब टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर निकल गया और ये काम करने लगे, टैक्स सुनने लगे, उसके बाद से ये लोग विरोध करने लगे। ये हमको जानकारी नहीं है। वो लोग जनता तो आप ही से ना पूछेगी कि आपको जिता के पद पे बैठाइए चेयरमैन उच्च स्कूटी बफ्तर, जनता वार्ड कमिश्नर से पूछेगी, वार्ड के लोग ना आपसे पूछेगी। तो ये तो जनता की समस्या को दूर करने के लिए रखा गया है। मान लीजिए जनता सब लोग अपने ये मकान का टैक्स जब जरूरत पड़ रहा है तब कटा रहे हैं, टाइम से कटा नहीं रहे हैं, और जब कटाने आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये फाइन भरना पड़ रहा है। तो ये तो सुविधा हो गई ना जनता के लिए कि डोर टू डोर जाके अपना टैक्स काट रहे हैं लोग, और उसी के साथ साथ आपका जन्म मृत्यु सब बना रहे हैं लोग। उन लोगों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार के साथ मिली हुई हैं, इसीलिए नहीं इसमें बताइए कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ये गलत बात है, बेबुनियादी बात रखा जा रहा है, इसमें कोई बात है नहीं। अच्छा टैक्स बढ़ने की क्या बात है कि घर का सर्वे होगा, टैक्स बढ़ेगा क्या, कुछ आपा कल पे टैक्स नहीं, टैक्स कैसे टैक्स बढ़ेगा? 1 तला मकान है तो 1 तला के लिए, 4 तला मकान है तो 4 तला के लिए जाएगा इसमें। अभी जो टैक्स, ये सब गलत आरोप लग रहा है। अच्छा आप गए थे बाइट लेने उन लोग का, तो देखिए उस धरना में कितने पार्षद मौजूद हैं। 40 पार्षद मौजूद हैं यहाँ पे, आप दिखाइए बाइट, आप अपना वीडियो कहाँ 40 आदमी, तो आप साक्ष कीजिएगा ना कि कितने लोग नहीं, वो तो हम देख रहे हैं। देखिए महिला पार्षद 20 से ज़्यादा है, कितना महिला पार्षद थी वहाँ पे, आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे? पार्षद तो 10 से 12 मौजूद थी, और जेंट्स और लेडीज दोनों मिला। और लोग कहाँ गए? और लोग कहाँ गए? सारा लोग साथ हैं, आपके साथ है कि उनके साथ? नहीं नहीं, जो गलत बोर्ड दो पार्ट में बटा दिख रहा है अभी साफ तौर पे जी, आपकी चेयरमैन आपके साथ नहीं है, उनके साथ है। साफ कहना है कि वो उनके साथ है, मतलब भ्रष्टाचार के साथ है, ऐसा क्यों? तो लगता है कि पहले आपसे तालमेल था, कभी स्कूटी से तालमेल था, कभी चेयरमैन, तो जनता को क्यों बुरा बनाया? सही बताइए कि भ्रष्टाचार हुआ कहाँ? अच्छा कल आप किसी के साथ खड़े रहते हैं, कल उसी का विरोध करते हैं, कभी इसके साथ? ये तो उन लोगों से पूछे ना कि इन्हीं लोगों का एजेंडा था। ये बोर्ड 26/4 का जो बैठक हुआ, 26/4 के बैठक में यही लोग एजेंडा लाए, चेयरमैन के द्वारा ही एजेंडा लाया गया, और एजेंडा ला के उसको एजेंडा को रखा गया सर्वसम्मति। कई बातों से मुकर गए जनता, जो वार्ड पार्षद की जो तालमेल आपसे नहीं बैठ रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि तालमेल नहीं है। अच्छा चेयरमैन के जब सभा में स्कूटी सबको बुलाया गया तो उन्होंने साहब कहा कि वार्ड पार्षद को बाहर निकालिए तब आएंगे, क्या हुआ? नहीं इसका हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन स्कूटी साहब तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप मीटिंग में आप नहीं थे? नहीं मीटिंग में तो ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। चेयरमैन के चैम्बर में यो साहब को बुलाया गया तो चेयरमैन को बुलाना चाहिए और उनको जाना चाहिए, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि हमको बीसी था 4 बजे से, तो हम बीसी बोले थे बीसी करके आएंगे, तब इसका गलत मतलब निकाला जा रहा था। ये गलत बात है, जो मांग है इन लोग की जो बता रहे हैं वो सही है, गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि बोर्ड ने पास किया है, आपको तो बता रहे हैं 26/4 के बैठक में चेयरमैन साहब के द्वारा तो वही एजेंडा, विरोध भी कर रही है, वही एजेंडा लाई
उसी एजेंडा पर चर्चा हुआ, उसके बाद उसके अगले बैठक में उसका संपुष्टि हुआ, उसके बाद फिर उसके अगले बैठक में भी उस बैठक का भी संपुष्टि हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उसका टेंडर निकाला, टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, वर्क ऑर्डर उस एनजीओ को दिला गया, वो आके काम कर रहा है, तब ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब इसमें तो हमको बहुत विरोध सही है गलत है क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि वो जो एनजीओ आया है काम करने आपके यहाँ, उससे 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप काम लीजिए, अगर वो हमारे सिवान के जनता के अनुकूल नहीं होगा एनजीओ, अगर वो किसी भी मकान पे डबल ट्रिपल टैक्स लगाता है, तो उसको हम लोग बैठक बुलाएंगे, बोर्ड का बैठक बुलाएंगे, उसको रद्द करेंगे। लेकिन अभी किस बेस पे आप रद्द कीजिएगा? चूँकि आप उसको एग्रीमेंट कर लिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, आप उसका अगर टेंडर रद्द करते हैं तो वो तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, किस बेस पे आप उसको रद्द कीजिएगा? है? अब जो सिवान की जनता है जो परेशान है जी, मोहल्ले में पानी लग जा रहा है, कभी वार्ड में जाके आपने देखा है कि कितने वार्ड में पानी लग रहा है, क्या समस्या है? 45 वार्ड में कोई घुमा है वार्ड पार्षद? पूछिए ना चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब से पूछिए ना कि वो ऑफिस आती हैं। हम आपके पूछ रहे हैं कि आपने घुमा है? हम तो घूम रहे हैं। पहले आप बताइए कि हम तो देखिए हम तो घूम रहे हैं। कितने वार्ड में घूमे हैं? 45 वार्ड में घूमे हैं जी। क्या देखे? जहाँ देखिए हमारे पास क्या पावर है, टोटल पावर चेयरमैन का होता है, आप 2007 का नियम निकालिए और देखिए टोटल पावर चेयरमैन का है, तो उस चेयरमैन को कोई पावर ही नहीं दिया है सरकार ने, तो वो क्या करेगा? तो चेयरमैन को कौन कंट्रोल करता है? अभी तो चेयरमैन बताएगी उनको कौन कौन कंट्रोल करता है? नहीं, हमको हम कैसे बताएंगे? तो इनको चेयरमैन मानते हैं ना उनको? तुमसे आप सवाल, चेयरमैन तो है ये है, तो उनको मानेंगे क्या? आप पार्षद हैं, आप भी तो सवाल कर सकते हैं। हाँ, वो केवल मीटिंग टू मीटिंग आती है, उसके बाद वो नगर परिषद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है तो वो बताएंगे। मैंने सिवान हर साल बरसात में डूब जाए, सिर्फ सफाई देंगे लोग लेकिन होगा कुछ नहीं। इसके पहले सिवान जितना डूबा था तो 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था जी। ठीक है, इस बार भी बरसात हुआ, कई मोहल्ला डूबे हैं, उसके बारे नहीं में सब कोई बरसात नहीं हुआ, कोई मोहल्ला डूब जाएगा? आप बताइए कौन मोहल्ला डूबा है? आपको महादेवा है, फतेहपुर। कहाँ महादेवा में कहीं पानी लगा है डूबा? महादेवा चलिए, आपने महादेवा तो नहीं देखा ना? देखिए, ऐसा ऐसा वार्ड है जहाँ रास्ता नहीं है जाने का, कभी नाला के बारे में भी नहीं सोचा गया कि नाला बने। पिछले बार वादा किया गया, हम लोग को आए हुए कितना दिन हुआ, हम लोग को आए हुए कितना दिन हुआ, कितना आप घूमेंगे तब ना जानेंगे। हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं घूम रहे, लेकिन क्या कर पाएंगे? इसकी समस्या दूर होगी, वार्ड की जो समस्या है लोगों की? हम लोग को पावर नहीं है कोई, सबसे बड़ा बात जान दिए कि उप चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं है, जो पावर है चेयरमैन के पास है। चेयरमैन बोलते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, मेरे घर के पास सफाई नहीं होता। तो सही बात है, तो वो घर में रहेंगे नहीं निकलेंगे। तो आप बता रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है और वो बोल रही है मेरे पास पावर नहीं है। तो आप 2007 का एक्ट निकाल के देखिए, उप चेयरमैन का कोई पावर है? आप खुद निकाल के देख लीजिए, चेयरमैन के पास पावर है, योग साहब के पास पावर है, बोर्ड जो पास करेगा बोर्ड के अनुसार उनको काम करना है, तो उनको ऐसा कुछ नहीं है। जो एजेंडा ला रही हैं उसी से वो बैक हो जा रही हैं, तो कैसे काम होगा? आप बताइए कि बस एक दूसरे पर आरोप लगा जाएगा, काम कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।